कुंदनपुर के राजा एक भीष्मक हुए और भीष्मक महाराज बड़े चित्रवती हुए। जैसे ही बोली भक्तवत्सल भगवान की तरफ से यहाँ पांडाल में सभी इतने भी लोग आए हैं, सबको उनकी तरफ से आज निमंत्रण है, सबका भोजन है, कोई बिना भोजन के ना जाए। अब भोजन महाराज भीष्मक महाराज के चार बेटा थे, रुक्मी, रुकम्बाहु, रुकमसेन और रुक्मी, ऐसे चार भैया थे और एक बिटिया थी रुक्मिणी। लेकिन इनके बड़े भाई ने, रुक्मिणी महाराजी के बड़े भाई ने जाकर करो दुख को बिसरोजू भावज हाथ लिए हल्दी तुम तो प्रसन्न हो जाइए पटापे बैठे I'm gonna go.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया जो घराती हो बरात के स्वागत के लिए पहुंचे हैं, भगवान आ रहे हैं, बरात भी जल्दी, जैसे ही भगवती सभी सखियों के साथ में जैसे रुक्मिणी महारानी माँ भगवती परमंभा जगदम्बा के मंदिर में जैसे ही पहुंची हैं, तो वहां पर भगवती का बड़ा सुंदर भाव से पूजन किया है कि दुर्गा मेधातनंकुलो महेश्वर देवी में जाकर के निमंत्रण दिया। भगवान निमंत्रण पाकर के बोलिए द्वारकाधीश भगवान की देखिए आप सांत्वना ध्यान शांति को। भगवान द्वारिका रथ लेकर के आए द्वारिकाधीश और ब्राह्मणी ने रुक्मिणी महारानी ने भगवान के लिए पत्र लिखा और उस पत्र को पढ़ करके भगवान फोटो वाले भैया थोड़ा सा ध्यान दें की बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जैसे ही भगवान के रुक्मिणी महारानी के साथ में सत्री और मंत्री आए, भगवान हाथ पकड़ करके रथ में बैठा करके रुक्मिणी महारानी के लिए ले गए और बस वही एक ही भाव बना हुआ है कि जोड़ी बहुत सुंदर है, ले गयो ले गयो। भगवान ने जैसे ही रुक्मिणी महारानी को लेकर के अपने रथ पर बैठाया और बंधु इधर शिशुपाल की जुलूस निकल रहा है, बरात निकल रही है भगवान रुक्मिणी के लिए लेकर के, और जैसे ही पधारे वहां पर कुंदनपुर में महाराज भीष्मक महाराज ने विधवत महाराज का विवाह संपन्न हुआ। भगवान को बैठा ले, सामने थाली रखें, ध्यान दीजिए, देखिए आप थोड़ा सा नहीं विचार करिए, सखियों के लिए खड़ी रहने ने दो, भगवान को और रुक्मिणी को बैठने दो, और आसपास से ये लोग जो खड़े हैं लाखन सिंह को बुलाएं और उनकी धर्मपत्नी के लिए बुलाएं और माताजी को, सबसे पहले माताजी आप चरणों के लिए धोएंगे और धोने के बाद में आप दोनों पति पत्नी क्या करेंगे आप काम भी समझ लें, आप पुरुष जो आएंगे उनके हल्दी लगाएंगे और आपकी धर्मपत्नी माताएं जो आएंगे उनकी हल्दी लगाएंगे। सामने हल्दी का पात्र रख दो और पग धोई के लिए कोई पात्र रख करके और मात्र भगवान के तिलक ना लगाएंगे, थाली में ही भेंट दे करके और भगवान के हाथ जोड़ करके, ध्यान दीजिए जो यहाँ से हल्दी लगा करके अगर घर में जाएगा, ध्यान देना इनके बच्चों की अगर शादी नहीं होती है गांठ बांध करके रख लेना, 6 महीने के बाद में शादी हो जाएगी, भाव से शादी में आना, ये भगवान रुक्मिणी मंगल है, ये भगवान परमात्मा का विवाह है, आपके घर में मंगल ही मंगल होगा, बड़े भाव से एक एक से आएंगे। आइए भजनों की ओर चलते हैं, शक्या दो पहले माता जी से चल धुलवा दो, फिर भैया से पहले इनसे धुलवा दो, धुलवा आइए भजन किए और सामने से भैया आप लोग हट जाओ, आप लोग थोड़ा सा साइड में हट जाए, व्यवस्था बनाए रखें, एक एक से आप भीड़ भक्कड़ ना करें, जिसको नाचना है वो अपनी जगह पर ही नाचेंगे मेरे प्रेम के साथ में। बोलिए भगवान की हर सारे नगर में धूम मची है, द्वारका नगरी खूब सजी है, जगे भोला बने है मेरे साथ चोरी का जवाब नहीं है।
Chao,
सिंह थोड़ा सा साइड में हट जाए और मंडप के नीचे इतने ही बरातियों के लिए रखें तो ज्यादा बराती आ गए हैं और इन बरातियों के लिए नाचना गाना एक साइड में देखो बराती बरातियों से इतना डर लगता है भगवान जाने सभी लोग एक साइड में हो जाए और पीछे जाके नाचा सजा बसुदे Thank you.
इतने भी जो भगवान के पास में खड़े हैं थोड़े से साइड में हो जाए। जो सखिया है अब देखो भगवान की शादी में नहीं नाचेंगे आप।
Thank you.
Oh,
सुनाय विनमहे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् श्रीवंतिका बकुल चंपक पादलाब्जे पुन्ना गजान कर वीर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी तम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणी यदा काल भवानि च पुष्पाण्य निर्मया रक्ता ग्रहाणा परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्री रुक्मिणी मंगलाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि गुणी मंगल भगवान की द्वारकाधीश की शक्ति सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो श्री वेद भगवान की जय हो बस्ती मैया की जय हो गुरु महाराज की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो भगवत पार्वती पदे हर 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 दारिद्र हर काल हर कंटक हर सुख कर शांति रोग दया शांति भरत बदया शांति विद्वेर देवा शांति ब्रह्म शांति त्रिभुवन शांति शांति देव शांति श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः शुद्ध जल से सब पे और छोड़ दो सब पे ध्यान करो बस इतनी हनुमान जी प्रसन्न रह गए अलंकार विष्णु प्रिय इतनी हार और माला अच्छे सुंदर सुंदर स्वर्ण की हार चढ़ाओ शंकर जी को कुछ नहीं चाहिए इतने भोले वाले देवता केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं इतनी कराओगे ब्रह्मा प्रसन्न रहेंगे तो ऐसा है चलिए साहब विश्वनाथ कराओ भगवान के लिए और वो या चरमण वेदिका चिप्रावित नदी महासुर नदी चाता गया गंडकी पानी ऐसी मत फैला दे साइड में कर दो उसको अभी एक साइड में रख दो और सुभाषा परवी दया का सौ से अनुभवती जाय माना कंदी आशा कवय उन्नयती स्वाद्यो मन सा देवयंता उर्वस्वावस्त्रम समर्पयामि जल छोड़ दो जय जरा सा बाहर छोड़ नहीं में हाँ चल थोड़ा सा तेर्या सहजं पुरस्तादायुष्य मग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः भूर्वस्वा यज्ञोपवीतं समर्पयामि पुनः भानी जल छोड़ा ओम भूर्वस्वा श्री खंड चंदनम दिव्यम घंटाढ्यं सुमनोहरं विलेपनम सुरा श्रेष्ठ चंदनम प्रतिव्रीयतां महा भक्ता ग्रहणम परमेश्वर अक्षतम समर्पयामि ये पुष्प चढ़ा दो मालित्यादीनी सुगंधीनी मालित्या सब पे चढ़ाओ मालित्यादीनी वे प्रभो मया दान वसुपाणी पूजार्थम प्रतिक्रियताम्मा गुरुवश्वा श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः नानापुरम दिव्यम समर्पयामि हे ओम गुरुवश्वा ये माताजी को पिना दो बीच में विध्यम निवेदयामि नैविध्यन्ते आचमनीयम्मां द्रव दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि अब हाथ जोड़ करके ध्यान करो भगवान से नमस्कार करो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम नारायणं प्रियमदंग मदापहारम
वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ विघ्नेश्वराय भरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ। शंकर और पार्वती जी के लिए भोग का दोनों नीचे रखो, शंकर जी पे ऊपर रखा है उसको नीचे और लगा। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिहि। विष्णुरज्ञावर्तमानस्य ब्राह्मणोदितिः प्रादिशति वाराह कल्पिः दैवसमन्तरे अष्टावी सतर्णे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्मोदिते। ॐ भूर्वस्वाये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाहस्तानि कङ्गणाते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसी। अपने स्थान से जाओ। आपके परिवार के लिए, आपके आपके पितृश्रो के लिए सब गौ माता, और फूलों की वर्षा करो। आप लोग नाचो और ताली बजा दूर हो जाओ।